नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। कल मैंने आपसे एक वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे कि वीकली और मंथली एक्सपायरी से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है उसको आप पूछ सकते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है ताकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वीकली और मंथली एक्सपायरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है उसके सारे के सारे आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा जबरदस्त कंटेंट है दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को तो डेफिनेटली रिव्यू और रिवाइज कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। प्लीज डू नॉट मिस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तो आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट डेटा अपडेट्स को मिस कर रहे हो। इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। कुछ बेहतर रिफाइंड इंफॉर्मेशन टाइमली चाहते हैं, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर विद Without wasting any further time, we will begin. तो पहला क्वेश्चन है सिमरनजीत जी का, उन्होंने पूछा है शुड वी ट्रेड नियर मिड और फार मंथ। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमेशा वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करें। आज से एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद क्या होगा, वी डू नॉट नो। सो आई वॉन्ट यू टू ट्रेड इन नियर, जितना नियरेस्ट हो सके उतना नियर, स्टॉक्स के लिए उसी मंथली एक्सपायरी में और निफ्टी और बैंक निफ्टी में उसी वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करें। डीप ओटीएम कॉल्स, येस डीप ओटीएम कॉल्स में लिक्विडिटी नहीं होती है, बाकी कोई भी रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी मतलब क्या है, अगर आपने सपोज डीप ओटीएम कोई कॉल ले ली और उस पर आपने ट्रेड लगा रखा है 45 रुपीज पे, हो सकता है 45 पे कोई बायर ही ना हो, बायर बैठा होगा, हो सकता है 43 रुपीज़ पे, तो आपका ये ट्रेड लगेगा नहीं। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डीप ओटीएम में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भयंकर लिक्विडिटी होती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डीप ओटीएम कॉल्स में ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स में यस। मैंने सिर्फ यू नो एक्सपायरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये वीडियो बनाया है, इसलिए मैं आपका ATC का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब डिविडेंड आपको मिलता है एक्स डिविडेंड डेट पे उतना अमाउंट कम हो जाता है। अगर ATC का प्राइस है 200 रुपये तो एक्स डिविडेंड पे उसका प्राइस 190 बचेगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का डिविडेंड उसने ऑलरेडी निकाल दिया। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश सुंदर जी, माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इफ आई बाय द फ्यूचर टुडे एंड फॉर सम रीजन आई नीड टू होल्ड इट फॉर मल्टीपल अदर डेज, हाउएवर बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी आई एम प्लानिंग टू सेल, वॉट इज द प्रॉफिट और लॉस इनकर टू मी। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने किसी भी स्टॉक का, फॉर एग्जाम्पल सिप्ला का एग्जाम्पल के तौर पर 500 रुपये का फ्यूचर लिया और उसके बाद आपने 5 दिन बाद उसका प्राइस 505 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसका लॉट अगर सपोज 100 स्टॉक्स का है तो 100 × 5 दैट इज 5 दिन में आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर एक लॉट लिया और एक लॉट में 100 स्टॉक होते तो 100 से बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको समझ में आ गया। हाउ कैन आई डू इट इन ज़ेरोधा, ज़ेरोधा में सिंपल है, ज़ेरोधा में आपको सर्च करना है फॉर एग्जांपल सिप्ला, तो सिप्ला आप सर्च करोगे सिप्ला और आगे टाइप कर देना है FUT, जैसे आप टाइप करोगे सिप्ला फ्यूचर वो प्राइस आ जाएगा किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको खरीदना है, और वो सिंपल से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ, बजाज फिनेंस का मैंने एक लॉट सेल करा है 2100 की PE पे, तो उसमें आपको टाइप क्या करना होता है, सेम इसी प्रकार से बजाज फिनेंस जुलाई 2100 पी, बल्कि आप बैच फिनेंस जुलाई जैसे ही टाइप करेंगे तो ये रेट ऑलरेडी प्रॉम्प्ट हो जाएगा जब आप वॉच लिस्ट में सर्च करोगे, ठीक है। तो मैंने इसको सेल कर रखा है, अब इसकी एक्सपायरी क्या है, इसकी एक्सपायरी जुलाई की है, जुलाई का लास्ट थर्सडे, जुलाई का जो लास्ट थर्सडे होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29th है, चेक कर लेना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता भी देना, 29th ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 29th या फिर जो भी डेट है व्हाटएवर, तो उस डेट पे ये जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अभी इसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी है, 8.2, तो बचा कितना है इसमें, इसमें बचा है 8.2, तो अब आप समझ लो 250 × 8.2 ये पैसा भी इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर बजाज फिनेंस 2100 के ऊपर रहता है, 2101 भी रहता है, तो भी ये पूरा का पूरा पैसा दैट इज़ 17.05
इंटू 250 मुझे मिलेगा। सेम गोज विथ, क्योंकि मैंने इसका पुट ऑप्शन सेल किया है, वहीं मैंने अगर इसका कॉल ऑप्शन सेल किया है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। अगर इसका प्राइस 3900 के नीचे रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3899 भी रह जाता है, या फिर कुछ भी 3900 से नीचे रह जाता है, तो मुझे पूरा का पूरा 750 इंटू 15.62 ये पूरा का पूरा पैसा मुझे मिलेगा ऑन व्हाट डेट, ऑन जुलाई एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। सेम गोज विद HDFC CE एंड सेम गोज विद LT का, लार्सन एंड टूब्रो का मैंने 820 का PE सेल किया है। मतलब 820 के ऊपर अगर ये रहा, 820 के नीचे चला गया, तो जितना नीचे जाएगा उतना मुझे लॉस होता चला जाएगा, अगर है ना, बात समझ में आ रही है। और अगर उसके ऊपर रहा, 821 भी रहा, तो मुझे 5.2 इंटू 550 ऑलमोस्ट 2600 के आसपास प्रॉफिट मिल जाएगा। एंड सेम गोज विद मुथूट फिनेंस। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या हमको इसको सेटलमेंट में बाय करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेल कर रखा है तो हमें क्या बाय करना है। तो सेटलमेंट वाले डे, दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है अगर मैं प्रॉफिट में हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2100 पी, मतलब अगर ये 2400 पे रहता है लास्ट थर्सडे को, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको पड़े रहने देना है, छोड़ देना है, होने तो जो हो रहा है। और अगर बाई चांस ये 2100 से नीचे जाने लगता है तो मुझे लॉस होने लगेगा। तो जैसे ही मुझे लॉस होने लगेगा, मैं इसे निकल जाऊंगा। तो मैं इसमें स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, मैं उसमें उतना स्टॉप लॉस रखूंगा जितना कि मैं बियर कर सकता हूं। और उसको आप पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, मैं चाहूं तो कल के दिन भी इस पोजीशन को सेल कर सकता हूं। सेल करने के लिए मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, या आया एग्जिट, आया कि नहीं आया, इससे एग्जिट करके आप इसमें, जैसे इस एग्जिट पे क्लिक करेंगे, जिस भी प्राइस पे मैं चाहूँ उस प्राइस को डाल करके, फॉर एग्जांपल मुझे 8.2 पे निकलना है तो 8.2 पे निकल जाऊँगा, अदरवाइज मैं ना मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उस पर निकल जाऊंगा। अदरवाइज मुझे निकलना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये कल के दिन थोड़ा और नीचे गिर सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको 7 रुपीज़ लगा सकता हूँ कि 7 रुपीज़ पे जैसे ही गिरेगा तो 7 रुपीज़ पे मैं इसको बाय कर लूँगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अभी दिन का टाइम नहीं है तो इसको मुझे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाना पड़ेगा और बाय कर देना होगा। तो दोस्तों, ये ज़ेरोधा में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करा जाता है। तो ज़ेरोधा में अगर अभी तक अकाउंट नहीं खोला तो उसको खोल लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप इसको एलिस ब्लू में, मैं पर्सनली जो हैवी ऑप्शन सेलिंग है उसको मैं एलिस ब्लू में करता हूँ। और बाकी अगर आपने अपस्टॉक में खोलना है, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आई थिंक अपस्टॉक इज ऑफरिंग यू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डील्स, तो यू कैन ओपन द अकाउंट्स इन द अपस्टॉक एज वेल। तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कॉमेंट में, यू कैन ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पेश का, उन्होंने कहा है प्रीमियम डिके कैसे होता है। तो प्रीमियम डिके का कैलकुलेशन होता है वो ऑटोमेटेड होता है, उसकी इसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। ये बेसिकली ये ऑप्शन ग्रीक्स में आता है, इसको डेफिनेटली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट सूनर, बट आप ये समझ लीजिए, जितना तेज़ी से स्टॉक एक्सपायरी के पास पहुँचेगा उतना उसका डेल्टा मतलब डिके हाई हो जाएगा, उतनी तेज़ी से वो गिरना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 जुलाई को एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अभी तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे डिके करेगा, और 8 तारीख के बाद वो एकदम से डिके होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल फास्ट डिके होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी में उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे किसी भी ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जानी है अगर वो आउट ऑफ द मनी है। अब वही आपका क्वेश्चन है कि आप कब तक होल्ड कर सकते हैं, आप जब तक चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्सपायरी में उसकी वैल्यू 0 हो जानी है ऑप्शन की, अगर वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है तो उसकी वैल्यू 0 हो जानी। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या है, मैंने कितने का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है बजाज फाइनेंस का, 3900 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो वो अगर 3899 भी रहता है तो ये क्या है, आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी कब बनेगा, जब ये 3901 के ऊपर निकलना शुरू होगा तब ये इन द मनी हो जाएगा। तो जब तक ये उसके नीचे है, जिस स्ट्राइक प्राइस के नीचे है, तब तक मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं प्रॉफिट में रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण का, प्रवीण ने पूछा है हाउ कॉस्ट आर कैलकुलेटेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शंस में जो कॉस्ट होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट 5-6 फैक्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो जो फैक्टर इन करती हैं, वो एक है वोलाटिलिटी, वोलाटिलिटी पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एक होता है टाइम डिके जिसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्रीमियम क्या रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक्सपायरी के पास में
कोई ऑप्शन एक्सपायरी के पास में है तो उसका डेल्टा बहुत तेज़ी से मतलब उसमें जो डीके है उसकी वैल्यू डीके बहुत तेज़ी से करेगी। और वहीं पर अगर वॉलेटिलिटी कम हो गई है तो भी स्टॉक का प्रीमियम उसी ऑप्शन का प्रीमियम नीचे गिरता चला जाएगा, वहीं पर अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो प्रीमियम ऊपर जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? आपका क्वेश्चन क्या है? इफ़ हैव टेकन एस बी आई ऑप्शन 200 CE एट 10 प्रीमियम जुलाई, एस बी आई शेयर प्राइस विल इंक्रीज बाय 0.2 और 0.5, हाउ ऑप्शन प्राइस विल इंक्रीज। देखो भाई, अगर आपका ऑप्शन अगर आपका एस बी आई का प्राइस बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एस बी आई का आपका आपका प्राइस इस समय चल रहा है सपोज 150 रुपये एग्जाम्पल के तौर पर, और ऑप्शन आपने कॉल का कॉल ले रखा है 200 का एट 10 रुपीज़, और अगर वो प्राइस 150 से बढ़ना शुरू होता है सपोज 160 के ऊपर चला जाता है तो आपका जो प्रीमियम है 10 रुपीज़ का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं पर अगर उसका प्राइस नीचे गिरने लगेगा तो आपने चूंकि कॉल ऑप्शन ले रखा है तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू नीचे गिरने लगेगा अगर प्राइस डिक्रीज करने लगेगा 150 के नीचे। बात समझ में आ गई आपको सारी? अगर प्राइस बढ़ेगा स्टॉक का तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन नीचे जाएगा, प्राइस गिरेगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, प्राइस गिरेगा तो कॉल ऑप्शन नीचे जाएगा। बात समझ में आ गई? तो प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर, प्राइस बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीम का, उन्होंने पूछा विच इज़ द बेस्ट ब्रोकर टू सेल ऑप्शंस। देखो भाई, बेस्ट ब्रोकर अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है मार्जिन है तो यू कैन गो फॉर ज़ेरोधा। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे कम है, आपको बढ़िया मार्जिन चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करते हैं आप, तो आप एलिस ब्लू में जा सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छी मार्जिन देता है वो। सो यू कैन गो फॉर एलिस ब्लू, अदरवाइज ज़ेरोधा इज़ ऑल्सो गुड। और अगर आप बिगिनर हैं देन यू कैन गो फॉर अब स्टॉक्स सारे के सारे ऑप्शन ओपन हैं, तीनों ऑप्शन जो बेस्ट मुझे लगते हैं, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, वो सारे नीचे हैं, बाकी आप जिसमें चाहें उसमें भी खोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन का, इफ़ माय प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, आई एम अ कॉल बायर एंड बॉट अ कॉल ऑफ निफ्टी 10,500 एट 50, इफ माय प्रेडिक्शन गेट्स रॉन्ग। मतलब आपने कॉल को बाय करा, मतलब आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, और आपकी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, मतलब मार्केट नीचे गिर जाती है और स्टॉप लॉस हिट कर जाता है 45 का, बिल्कुल सही, ठीक है, आप एग्जिट कर गए। व्हाट कॉल राइटर विल बेनिफिट, कॉल राइटर को बेनिफिट ये मिलेगा, कॉल राइटर को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसने 50 रुपीज़ पे कॉल को सेल कर रखा है 50 रुपीज़ पे कॉल को सेल कर रखा है। निफ्टी में होते हैं 75 निफ्टी, तो 75 × 5 रुपीज़ उसको मिलेंगे 5 रुपये, क्योंकि 45 पे चूंकि आपने सेल करा है तो कॉल राइटर ने बाय किया है तो उसको मिलेगा 5 रुपये का प्रॉफिट, 75 × 5 इतना उसका प्रॉफिट होगा। और आपको लॉस कितना होगा, 75 × 5, क्योंकि आपने पहले इसको बाय किया था, हाई पे बाय किया और लो पे सेल कर रहे हो, है कि नहीं, हाई पे बाय कर रखा है लो पे सेल कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारव का, उन्होंने पूछा है, आई नो दिस इज सिली क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है। आपका क्वेश्चन है इफ़ आई बाय ग्लेनमार्क 25 जून 540 CE, आपने सी मतलब कॉल ऑप्शन बाय किया, मतलब आप सोच रहे हैं ग्लेनमार्क ऊपर जाएगा, सो व्हेन विल आई गेट प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में तब रहेंगे जब ग्लेनमार्क का प्राइस 420 रुपये से ऊपर जाना शुरू होगा, नंबर वन। और अगर बाई चांस आपने वेट करते रहे और प्राइस 540 के नीचे रह गया एक्सपायरी में 540 के नीचे रह गया तो ये ऑप्शन का प्रीमियम भी ज़ीरो हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये प्राइस एक्सपायरी के दौरान 540 के ऊपर जाएगा तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज वैसे भी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी 540 के नीचे ऑन एक्सपायरी डे। और एक्सपायरी डे पे 540 के जितना भी ऊपर निकलेगा आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा, सिर्फ एक ब्रेक इवन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 25 रुपीज़ आपने पे किया है तो 540 प्लस 25 565, एक्सपायरी पे 565 के ऊपर अगर प्राइस निकलेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि बाई चांस आपने 25 रुपये पे लिया और वो एकदम से प्राइस ऊपर जाने लगा, लेते ही 540 पे लेते ही आप जैसे अब लिया प्राइस ऊपर जाने लगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ी,
वॉलेटिलिटी बढ़ी तो ये प्राइस का प्रीमियम बढ़ जाएगा, हो जाएगा करीब 30-35 के आसपास, और उसी दिन आप इंट्राडे में निकल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप इंट्राडे में ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर एक्सपायरी तक वेट करना है तो आपको ध्यान रखना है 4540 का कॉल ऑप्शन लिया है, 25 रुपीज़ प्रीमियम दिया है, तो 565 के ऊपर जाना चाहिए ये क्लोजिंग, अदरवाइज आपका ये 25 रुपीज़ पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर खा जाएगा। ओके, तो आपका आई होप ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। संदीप का क्वेश्चन है, आई एम हैविंग स्मॉल डाउट, सपोज आई सेल वन लॉट ऑफ एनी पुट ऑप्शन। वन लॉट सेल किया है मतलब आप बुलिश हैं कि मतलब उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने सेल किया है उसके नीचे नहीं जाएगा, आप बुलिश हैं और आपने सोच रखा है इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने पुट को सेल किया है प्राइस उसके ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, ऐसा आपने सोच रखा है। आई एम हैविंग सफिशियंट फंड इन माई अकाउंट, देन स्टॉक विल परचेज ऑटोमेटिकली एंड क्रेडिटेड टू माई अकाउंट। देखो भाई, अगर बाई चांस आपका सपोज टारगेट प्राइस इज हिट, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बजाज फाइनेंस का 2100 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, इसमें बजाज फाइनेंस कितने प्राइस पे चल रहा है, 2900 पे, तो मुझे लग रहा है वो 2100 जुलाई एंड तक नहीं जाएगा, और बाई चांस ही अगर चला गया इसके नीचे तो मुझे 2100 के प्राइस पे बजाज फाइनेंस के 250 स्टॉक खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसका पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, तो मुझे इसकी डिलीवरी लेनी होगी 250 स्टॉक्स एट 2100 रुपीज़। अब आपका बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन है कि आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड, अगर आपके फंड अकाउंट में सफिशिएंट फंड ना हो तो क्या होगा, तो आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आपका लॉस आपके जो फंड में अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो ट्रेड है उसको ज़ीरोधा कैंसिल कर देगा, या फिर आपका ब्रोकर कैंसिल कर देगा, उससे ज़्यादा लॉस होने नहीं देगा, और आपको मैसेज भेज देगा, मेल भेज देगा कि आपके फंड में, आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, कृपया करके उसमें बैलेंस डालें, अदरवाइज़ वो उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा पोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्व का रिगार्डिंग स्टॉक ऑप्शन सेल, हाउ लिक्विडिटी प्लेज रोल। मैंने आपको बता रखा है अगर आपने किसी भी स्टॉक को सेल किया है, अगर आपने किसी स्टॉक को किसी प्राइस पे सेल कर रखा है और आप नीचे उसके बाद उसको बाय करना चाहते हैं और वहां पर कोई बायर नहीं है, तो हो सकता है वहां पर सेल ना हो या फिर कुछ देर तक पेंडिंग रह जाए वो ऑर्डर और उसके बाद एग्जीक्यूट हो, इसलिए यू नो डीप ओटीएम कॉल्स में दिक्कत रहती है। अगर आप डीप ओटीएम कॉल्स में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें, उसके अलावा स्टॉक्स में अगर करना है तो ऑप्शन सेलर की तरह की करें और उस तरह से करें कि वहाँ पे प्राइस जाए ही ना। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस मैंने ले रखा है, 2100 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, इस समय चल रहा है 2900, तो भाई क्या बजाज फाइनेंस 30% गिरेगा एक महीने में? गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने उसको सेल कर रखा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना एसएल रखा जाए ऑप्शंस में। ऑप्शंस में सेल, जब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको कम से कम 10% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 10% का स्टॉप लॉस आपको रखना ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि ऑप्शन एक दिन में पैसा डबल भी कर सकता है, तो आपको ऑफकोर्स इतना स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 50 रुपये का आपने कोई ऑप्शन बाय किया है, 50 रुपीज़ का एक यू नो 50 रुपीज़ वाला एक लॉट बाय किया है, तो आपको 45 रुपीज़ का तो पक्का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग टू एवरीथिंग, बस ये बता दीजिए कि एफएनडो में शॉर्ट सेल करने के लिए कितना मार्जिन मनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं, तो आपको जितना प्रीमियम चाहिए होता है उतना ही आपके अकाउंट में होना चाहिए, बल्कि उससे कम होगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको कुछ छोटा मोटा मार्जिन पक्का देता है ब्रोकर। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 60-80,000 रुपीज़ पर लॉट होना चाहिए, 60-80,000, और उसमें कोई स्ट्रेटजी बना के लगा रहे हैं तो यस, उससे थोड़ा कम में काम चल जाएगा 40,000 तक, लेकिन आप ब्रॉडली ये समझ लीजिए कि 50,000 रुपीज़ तो आपको हर लॉट में चाहिए अगर आप के पास इतना नहीं अमाउंट, क्योंकि ऑप्शन सेल थोड़ा सेफ स्ट्रेटजी होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। और आपको अगर इतना पैसे आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो यू कैन गो एंड ओपन द अकाउंट इन एलिस ब्लू, वो आपको अच्छा मार्जिन देता है। कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रेट अवे आप ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, उसको सर्च करो गूगल पे, आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कितना मार्जिन आपको चाहिए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र यादव का, उन्होंने पूछा है अगर ऑप्शन एक्सपायरी के दिन 3:30 के पहले ऑप्शन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो ज़ीरोधा कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो तो आपने भैया
कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एक्सपायर होगा, अगर आप बाय करेंगे तो भी, नहीं बाय करेंगे तो भी। भाई जैसे मैंने अगर अपने जितने मैंने आपको दिखाए ना अपने ट्रेड, वो सारे के सारे मैंने सेल कर रखे हैं, और बस मैं उनको सुबह एक बार देख लेता हूँ कि भाई वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और मेरी तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर बजाज फाइनेंस वहीं पड़ा हुआ है, नन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो उसकी प्रीमियम की वैल्यू डेली डिके हो रही है, मैं एक्सपायरी पर टच भी नहीं करूँगा, वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मुझे उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा और वो भी मेरे को मेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो मुझे बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेल कर रखा है, मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया है, वो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज उसको सेटल कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण का, लव द चैनल कंटेंट, आई ट्राइड द वीकली एक्सपायरी स्ट्रेटजी फॉर द फर्स्ट टाइम, एक लॉट बैंक निफ्टी एट 1 PM, बॉट कॉल ऑप्शन एट प्रीमियम 1.75, सोल्ड एट 2 PM एट 2। अरे मुबारक हो यार, कभी पार्टी वार्टी के बारे में भी सोचा करो, इतना ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहे हो आप लोग, है ना, तो पार्टी वार्टी के बारे में कुछ कॉमेंट में करना भाई, वेन शुड द पार्टी बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम योर एंड, आई सपोज टू होल्ड टिल एक्सपायर। नहीं भाई, यू कैन एग्जिट एनी टाइम माई डियर फ्रेंड, यू कैन एग्जिट एनी टाइम, आपका 1.75 से आपका जैसे 2 हुआ तब भी आप निकल सकते हो, 2.5 हुआ तो भी निकल सकते हो, 1.7 से कहीं नीचे गिरने लगा 1.5 हो गया तो भी निकल सकते हो, निकल कभी भी सकते हो, जस्ट नो एम्बार्गो, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीशान का, माय क्वेश्चन इज इफ आई हैव लॉट ऑफ एनी स्टॉक ऑलरेडी इन माय डीमैट एंड आई एम सेलिंग द ऑप्शन फॉर द सेम स्टॉक, डू आई नीड टू कीप मार्जिन मनी? यस, बिल्कुल। देखो, आप जो स्टॉक के बदले सेलिंग कर रहे हो तो ये कोई वो नहीं है, मतलब अच्छा आपका एक और आपको बताता हूँ, पहली चीज़ तो आपको अगर उसमें अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, आप उसका कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, मेरा वीडियो पक्का देख लेना, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बहुत ही दमदार स्ट्रेटजी होती है। अब आपको बेनिफिट क्या है, आप जो भी ऑप्शन सेल करेंगे आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा, मार्जिन तो देनी पड़ेगी, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, क्योंकि आप ये आपके पास अकाउंट में स्टॉक्स हैं, आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजी हो जाती है कवर्ड कॉल, और जब भी आप स्ट्रैटेजी लगा करके कोई ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको मार्जिन बहुत कम देनी पड़ती है, जो पहले अगर 80,000 देनी पड़ रही होगी तो अब आपको सिर्फ 50,000 ही देनी पड़ेगी, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है आपको जब आप कोई स्ट्रैटेजी लगा देते हो, तो ये हो गई कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। तो आपको पूरे मार्जिन नहीं देनी है, कम मार्जिन देनी है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी हो गई है और उसके लिए आप यू नो यू कैन गेट बेनिफिटेड, और बाय चांस अगर कोई मार्जिन की दिक्कत है तो फिर तो एलिस ने अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको। निशा का क्वेश्चन है, विश यू अ वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू सो मच निशा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा यू नो कॉन्टेंट आपको वो कॉन्टेंट दे सकूँ जिससे कि आप लोग बेनिफिट हों, एज अ गुरु दिस इज़ माई ऑलवेज एन एंडेवर टू हेल्प यू आउट टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज एंड विजडम एंड एक्सपीरियंस और व्हाटएवर यू कॉल इट, दिस इज माई एंडेवर, आई डोंट नो हाउ फार सक्सेसफुल आई एम, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये मेरा छोटा सा एंडेवर कैसा लगता है। आपका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हेन टू डू रोल ओवर ऑप्शन एक्सपायरी डेट। देखो, रोल ओवर का मतलब क्या है कि आपको अपना ट्रेड तो सेटल करना पड़ेगा उस एक्सपायरी में, आप चाहें तो फिर से बाइंग कर सकते हैं, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, अगर आप अपना ऑप्शन सेल कर रखा है तो फिर से ऑप्शन सेल कर दें भाई उसी स्ट्राइक प्राइस पे, एक्सपायरी में सेटल तो होगा ही ट्रेड, ये तो सिंपल है। एंड समटाइम्स वी सी लॉस इन बोथ ऑप्शन सी एंड पी व्हेन अप्लाइंग हेजिंग, हाउ टू अवॉइड दिस हेजिंग, एक्चुअली में लोगों ने बहुत सारे वीडियोज डाल रखे हैं हेजिंग, अगर आप चाहते हैं वीडियोस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने हेजिंग के ज़्यादा वीडियोस डाले नहीं हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट देम अगर मुझे उसकी डिमांड नज़र आई, क्योंकि यू नो जनरली ऑप्शंस के वीडियोस में ऑप्शन जल्दी लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इस कारण उसके वीडियोस देखते नहीं, और जिस वीडियो में मुझे इनकरेजमेंट मिलता नहीं है वो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत लंबा चौड़ा, आई हैव मेड 54,000 यूजिंग ऑप्शंस इन जून एंड द एक्सपायरी इज स्टिल 3 weeks अवे, थैंक्स टू यू। अरे मुबारक हो, पार्टी वार्टी के बारे में कुछ सोचो भाई, आज तो गुरु पूर्णिमा है। माई क्वेश्चन इज विद एन एग्जाम्पल, आई सोल्ड 2,000 PE ऑफ बजाज फाइनेंस, अच्छा मेरा कॉपी ट्रेड किया, गुड, एंड द प्राइस ऑन इज एक्सपायरी इज 1900, ओके। माई क्वेश्चन इज आई सोल्ड 2,000 का PE ऑफ बजाज फाइनेंस फॉर जुलाई एक्सपायरी, ओके, एंड द प्राइस ऑफ एक्सपायरी वॉज 19, अच्छा चलो लॉस में हो गया, मतलब मेरा भाई ये एक्सपायरी हाइपोथेटिकल आपने एग्जाम्पल ले लिया, जो मैंने ट्रेड किया उसका हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो आपको क्या होगा, वॉट विल हैपन, तो यू विल लूज 100 into 250, बिल्कुल। देखो, इसमें 2,000 रुपीज़ में आपको कुछ प्रीमियम भी मिला है,
प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। प्रीमियम आपने सपोज अगर आपको 50 रुपीज़ मिला है तो ये 2000 में से 50 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो 1950 बचा। तो क्योंकि वो तो 50 रुपये तो आपको मिल गए ना, तो 1950 माइनस 1900 दैट इज़ 50 × 250, ये आपको लॉस होगा। बात समझ में आ गई, इसको कैलकुलेट कर लेना इतना लॉस, क्योंकि इतने इसमें आपको प्रीमियम ही तो मिला है भाई, प्रीमियम कहाँ जाएगा, वो भी तो एडजस्ट होगा ना लॉस में। बाकी सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिए हैं, आपको खुद बाय करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सेटल हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपने 2000 का अगर पुट ऑप्शन सेल किया था और आप लॉस में हो रहे हो तो 2000 पे उसको क्लोज कर लो, अपने लॉस को बचा लो। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, 250 शेयर्स टू गेट क्रेडिटेड, यस पहली चीज़ तो ये होगी कि 250 शेयर आपके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। और इतना जो अमाउंट है दैट इज़ 50 × 250 का जो आपका लॉस है वो लॉस भी आपके अकाउंट से सेटल होगा। ये दो काम होंगे ऑन एक्सपायरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज़ व्हाई डजंट द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन इंक्रीज इफ द मार्केट इज़ बुलिश। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि उसमें और क्या फैक्टर लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, और एक्सपायरी होने में मुश्किल से 2 घंटे बाकी हैं, ये थर्सडे की बात कर रहा हूँ एक्सपायरी की, तो उस समय टाइम डीके भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन टाइम डीके भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नलीफाई हो जा रहा है इफेक्ट। वहीं पर अगर कल एक्सपायरी हुई थी दैट इज थर्सडे को और आज फ्रेश वीक स्टार्ट हुआ, आज फ्राइडे मार्केट बुलिश चल रही है, भयंकर भागेगा ऑप्शन कॉल ऑप्शन। बात समझ में आ गई, तो टाइम डिके का फैक्टर भी तो उसमें इंक्लूड करना है ना। तो जो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने 11K का लिया है 2.7 के प्रीमियम पे, और अगर बाई चांस वो एक्सपायरी के एक आध दिन पहले का है तब तो कोई बात नहीं, अगर उसके और भी पहले का है तो भाई अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपका कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी रिसीव एंटायर प्रीमियम ऑन एक्सपायरी डेट और एवरी टाइम व्हेन इट डिकेस। बिल्कुल 100% प्रीमियम मिलेगा, एग्जांपल बता दिया मैंने। डू एग्जिस्टिंग शेयर्स इन द डीमैट गेट अफेक्टेड, क्यों इफेक्ट होंगे भाई, बिल्कुल नहीं इफेक्ट होंगे, क्यों इफेक्ट होंगे। अब अगर भाई आपने कवर्ड कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगाई है, उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लो जाकर के, क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सेटल फिजिकल डिलीवरी, आपके अकाउंट में 2 दिन पहले पैसे होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 2000 जो मैंने कर रखा है 2100 पी का मैंने ले रखा है बजाज फाइनेंस, और बाय चांस प्राइस एक्सपायरी में मुझे लग रहा है कि 2050 पहुंच गया है, तो मुझे अपने अकाउंट पे बैलेंस रखना पड़ेगा 2100 × 250 का, ये मिनिमम बैलेंस है, प्लस जो लॉस होगा उसको छोटा मोटा लॉस 50 रुपीज़ जो मैंने आपको दिखाया 50 रुपीज़ × 250, ये छोटा सा लॉस भी मुझे करना पड़ेगा रिकवर, क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट चला गया है ना। तो दिस इज़ हाउ इट सेटल्स, आपको कुछ नहीं करना है, ये स्ट्रेट अवे आपके अकाउंट से डायरेक्टली ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। और आपको ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स 2100 रुपये पे मिल जाएंगे, क्योंकि 2100 रुपये का पुट ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। बात समझ में आ गई, दिस इज हाउ इट गेट्स सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माय क्वेश्चन इज इफ आई बाय एन ऑप्शन पेइंग प्रिस्क्राइब प्रीमियम एंड आई सेल इट बिफोर एक्सपायरी। अगर आपने एक्सपायरी के पहले सेल कर दिया तो फिर आपको जितना प्रॉफिट है या फिर जितना लॉस है उतना आपको मिल जाएगा भाई, काम खत्म। फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी ऑप्शन को बाय करा था 344 पे, और भाई अगर 354 पे सेल कर दिया एक्सपायरी से पहले तो आपको मिलेगा निफ्टी में 75 का लॉट होता है, प्लस आपको 10 रुपये मिले तो 750 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चाहे वो एक दिन में अगर पहुंच गया होगा तो एक दिन में मिल जाएगा, 3 दिन बाद पहुंचा होगा तो 3 दिन में मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इफ आई सोल्ड पुट ऑप्शन ऑन द एक्सपायरी डे इट बिकम्स इन द मनी। भाई इन द मनी हो गया मतलब आपने अगर 2100 का पुट ऑप्शन सेल किया था और कहीं वो उसके नीचे चला गया तो वो इन द मनी हो गया। इन द मनी हो गया तो आपको कंपल्स, देखो भाई ये ब्रोकरेज पे डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकरेज हाउस है। कुछ लोग कहते हैं भाई आप जो आपका लॉस अमाउंट है सिर्फ आप वही सेटल कर दीजिए, कुछ लोग डिलीवरी दिलवाते ही दिलवाते हैं, एज पर लेटेस्ट डायरेक्शन आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, तो डिलीवरी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। वैसे ब्रोकरेज हाउस क्या आपका कैसे उसका सेटलमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। 99% ज़ेरोधा में तो भाई डिलीवरी होती है, डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी, तो डिलीवरी का अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए।
आपके बाद क्वेश्चन है सूरज का कि व्हाट इज़ दी हाउ डू वी चूज़ बिटवीन फिजिकल डिलीवरी एंड कैश सेटलमेंट। तो भाई उसमें कोई आपका चॉइस नहीं है, ऑटोमेटिकली सेटलमेंट होगा। दो दिन पहले ही आपसे ज़ीरोधा मांग लेगा पैसे, आपको डिलीवरी करवाने के लिए आपसे पैसे मांग लेगा 2 डेज़ बिफोर अगर कॉल इन द मनी हो गई है। तो 2 दिन पहले आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका बैलेंस है उससे कैश में सेटल कर देगा, आपके लॉस को बुक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग 1 OTM कॉल 1 OTM पुट विद अराउंड सेम प्रीमियम, विल दिस स्ट्रैटेजी बी यूजफुल फॉर इंट्राडे? नॉट नेसेसरीली। क्यों? इंट्राडे में हो सकता है वॉलाटिलिटी ज़्यादा रहे। आपने इसको OTM कॉल सेल करा सपोज़ 5 रुपये पे, और पुट भी सेल करा 5 रुपये पे, उस दिन वॉलाटिलिटी हाई हो गई, मार्केट ऐसे ऐसे से मूव करने लगा, तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा? आपने इसको सेल कर रखा है ना, तो इसका प्रीमियम हो जाएगा 6 रुपये, और इसका भी प्रीमियम हो जाएगा 6 रुपये या 7 रुपये। तो आपको 1 रुपये हर एक लॉट के हर एक स्टॉक में आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो प्रीमियम का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। तो जब भी आपको सेलिंग करनी है तो सेलिंग को आप इंट्राडे में अवॉइड करिए, सेलिंग को इंट्राडे में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित का, व्हाट हैपेंस टू ITM कॉल व्हेन इट बिकम्स ITM कॉल? क्यों जीरो होगी भाई? ITM कॉल तो इन द मनी होगी ना। 2100 रुपये का आपने पुट सेल किया था, मार्केट नीचे गिर गई, और मार्केट 2900 रुपये से बजाज फाइनेंस गिरता 2050 पहुंच गया, तो ये इन द मनी हो गया ना। तो इसकी वैल्यू तो अब ज़ीरो क्यों होगी, इसकी वैल्यू अब 50 रुपीज़ होगी। 50 ट्रेडिंग के लिए समहाउ मैं आउट ऑफ द मनी प्रेफर करता हूँ, डीप आउट ऑफ द मनी प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसके प्राइस कम होते हैं, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि उसमें एडिक्वेट वॉल्यूम होती है, तो कभी भी यू नो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई टेक ऑप्शन ट्रेड आई एम अनेबल टू फाइंड द ट्रेंड। ट्रेंड को फाइंड करने के लिए एक मेरा ज़बरदस्त वीडियो है ADX का, ADX एक बहुत ही पावरफुल वीडियो है, इसको मिस मत करना। अगर आप ADX के बारे में नहीं जानते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में 80% ऑफ द नॉलेज नहीं रखते हैं। इमीडिएटली टाइप करिए वेल्थ फर्स्ट ADX, तुरंत जाके इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय लुकिंग एट द एक्सपायरी एक्शन ऑफ द लास्ट डे 10% हायर स्ट्राइक प्राइस एंड 10% लोअर स्ट्राइक प्राइस कैन वी टेक सम जजमेंट फॉर नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी? नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ की जजमेंट के लिए आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मेरा वीडियो है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इंट्रेंसिक वैल्यू का नहीं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, उसको पक्का देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा कहाँ पर किस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, किस किस स्ट्राइक प्राइस पे, है ना, तो वो मेरी ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो भी देख लेना। तो आपको ओपन इंटरेस्ट जिस जिस स्ट्राइक प्राइस से बढ़ रहा है वो एक रेंज हो जाएगी, इस रेंज के बीच में रहेगा, चाहो तो उसके ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, उसके ऊपर एक दो स्ट्राइक प्राइस का। अबे यार छोटा मोटा FU तो होना ही होना है। तो एनीवे तो कहाँ थे हम लोग, वे वी, तो उसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन सेल कर दो, एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, और नीचे का आपको लगता है ये यहाँ पर रेंज है इसकी, तो इसके नीचे का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश का, उन्होंने पूछा है आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल टू सेल कॉल और पुट व्हेन द मार्केट इज बुलिश और बियरिश। तो भाई देखो, मैं दोनों ऑप्शन कॉल और पुट को सेल नहीं करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर डे में। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट उस दिन बुलिश है, अगर मार्केट बुलिश लग रही है, HDFC बैंक मान लो 6% ऊपर है, तो मैं उस दिन HDFC बैंक की कॉल को सेल करूँगा क्योंकि उस दिन कॉल का प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पर अगर मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक करीब 6% गिरा पड़ा है तो मैं उसका पुट ऑप्शन सेल करूँगा क्योंकि उस दिन पुट ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा होगा, मुझे ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा सेल करने में, मुझे ज़्यादा अर्निंग होगी। सो दोस्तों, इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है, इसके अलावा भी क्वेश्चन रह जाते हैं, तो कल के फर्स्ट वीडियो में आप वीडियो उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं। कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं रिफाइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं एज अ मेंबर, बहुत ही यू नो एज अ पीनट्स अमाउंट की मेंबरशिप्स हैं, यू कैन इमीडिएटली ज्वाइन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।